हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट का, नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका पार्ट थ्री आपको पढ़ना है। इसमें आपको ये हमने बताया था इससे पहले कि जो ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु और संघनन की गुप्त ऊष्मा, इनके बारे में हमने चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम ये बताएँगे कि ताप और तापमान, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, जिसको हमने अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों की अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, ताप और दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में किस तरह से अंतरा रूपांतरण होता है, एक अवस्था से किस तरह से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ठोस दिया हुआ है, तो ठोस से जब इसको हमें द्रव में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम क्या, इसका ताप बढ़ाएंगे, और इसके लिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संगलन कहेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ठोस को जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं, तो ये किस प्रक्रिया को के तहत कर रहे हैं, संगलन के द्वारा। तो वो काहे में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव में, द्रव से फिर किस में होगा, गैस में। तो वो द्रव से गैस में किस प्रक्रिया के द्वारा, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, द्रव से गैस में वाष्पीकरण, अभी आपको डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वाष्पीकरण प्रक्रिया के तहत क्या हो रहा है, द्रव जो है वो गैस में बदल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, गैस से डायरेक्ट जो है ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। मैंने बताया था ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब जो है ठोस पदार्थ जो होता है वो गैसीय स्टेज में आ जाता है, अपनी मिडिल स्टेज को नहीं कवर करता है, जैसे लिक्विड स्टेज में नहीं आता है। तो ठोस पदार्थ जब गैसीय स्टेज में आ जाता है, गैसीय स्टेज में आ जाता है, तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा आता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया। यहाँ पे लिखा भी, जैसे कि कपूर होता है, कपूर को हम रखते हैं वातावरण में, तो वो किस अवस्था में, कुछ देर बाद आप उसको देखेंगे वो अपने आप गायब हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। तो पहले तो वो कौन सी स्टेज में था, ठोस अवस्था में था, अब वो किस में आ गया, गैसेस स्टेज में, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हुई, ऊर्ध्वपातन की, जिससे कि वो ठोस से गैस में परिवर्तन हो गया। अब इसी का क्या है, द्रव को जब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर घटाएंगे, तो क्या वो जमने की स्टेज में आएगा, तो वो काहे में आ जाएगा, पानी को जब हम क्या करेंगे, इसको गलनांक बिंदु पर रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठोस, फ्रीजर में रखते हैं पानी को, तो वो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है, बर्फ के रूप में हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या है, जमना, जमने की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, संघनन की प्रक्रिया, जब गैस जो है, गैस के जो कण हैं, वाष्प के कण हैं जो हैं, वो उबल रहे हैं, और उसके द्वारा वाष्प के रूप में के बाहर जा रहे हैं, तो वो किस रूप में, आपको, आप क्या करते हैं, गैस पे पानी रखते हैं उबालने के लिए, तो आप उसके ऊपर जब प्लेट रखते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ बूंदें द्रव की आपको दिखाई देती हैं, जो वाष्प की बूंदें किस में चेंज हो जाती हैं, द्रव में चेंज हो जाती हैं। तो किस प्रक्रिया में ऐसा होता है, संघनन की प्रक्रिया में होता है। अब गैसीय स्टेज से क्या हो रहा है, यहाँ पे गैसीय स्टेज से जब ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जैसे नफ्थलीन में भी ऐसा होता है कि जब उसको हम क्या करते हैं, ठोस अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, तो उसे हमें कुछ पदार्थ प्राप्त होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा किस बिंदु, किसके बारे में मैंने बताया, दाब और तापमान के प्रभाव से किस तरह से ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब आइए हम क्या देखते हैं, वाष्पीकरण, जो आपका टॉपिक है वाष्पीकरण, इसी में आपको देखें यहाँ पे दिया गया है वाष्पीकरण, किस तरह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, इसकी डेफिनेशन भी है। यह एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें द्रव पदार्थों में सतह कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब यह क्या होगा, ये प्रक्रिया कब होगी, सतह पर होगी, किसी भी सतह पर हो सकती है, कब होगी, क्वथनांक से नीचे। अब यहाँ पे क्या है, क्वथन बिंदु कब होता है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जब उबलने लगता है, तो यहाँ पे क्या है, क्वथनांक से नीचे जब वो उबलने लगता है, उससे पहले ही क्या करते हैं, जब तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, जब वो भाप बन के वाष्प के रूप में बदलने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने तो यहाँ पे डेफिनेशन जान ली कि इसकी ये डेफिनेशन है। अब
वाष्पीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो हैं कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। अब सतह का मैंने पहले ही पॉइंट में इसमें डेफिनेशन में ही बात करी कि एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, जिस तरह से उसकी सतह होगी उसी तरह से इसका, जैसे सतह का मतलब फैलाव, किस तरह से किसी भी बर्तन का फैलाव है उसी तरह से वाष्पीकरण की जो दर है वो प्रभावित होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी ये अभी अब बात करते हैं। सतह का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं एक कप में क्या करते हैं चाय लेते हैं, ठीक है, तो इस कप में मैंने चाय ली और यहाँ पे क्या है एक कटोरी में मैंने चाय ली, तो यहाँ पे क्या है किस सतह पर सतह का क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तब वाष्पीकरण की क्या है दर भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है इस जो आपने कटोरी में चाय ली है इसमें क्या हो जाएगा वाष्पीकरण की जो दर है वो क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ जो वाष्पीकरण की क्रिया भी इसकी दर जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है इस एक्टिविटी के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है। अब वाष्पीकरण को भी समझने के लिए आप क्या कर लें, कुछ देर के लिए आप एक ग्लास में मॉर्निंग में सुबह क्या करें उसमें एक ग्लास लें और ग्लास में पानी भर के रख देंगे। अब उस पर कहीं हम क्या करेंगे निशान लगा देंगे, मान लेते हैं इस तरह से मैंने एक ग्लास लिया और यहाँ तक इसका पानी भर के रख दिया सुबह, अब यहाँ पे मैंने निशान लगाया। अब शाम के टाइम हम क्या देखते हैं इस जो ये पानी है ये क्या है अब यहाँ तक रह जाता है, इसका क्या है जो स्तर है इसका लेबल है ये घट करके कितना हो रहा है यहाँ तक, तो ये किस कारण ये पानी जो है वो गायब हो गया, किस तरह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि जो वातावरण की जो ऊष्मा थी उसने जो पानी के अब्जॉर्ब अवशोषित कर लिया और अवशोषित करके पानी कितना रह गया उसका आधा। तो यहाँ से इस एक्टिविटी के क्रियाकलाप के द्वारा भी हम वाष्पीकरण को समझ सकते हैं। अब हमने बात की थी सतह का क्षेत्रफल के बारे में, तो सतह का क्षेत्रफल के बारे में मैंने बताया एग्जाम्पल दिया कि सतह का जितना भी क्षेत्रफल अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ेगी। अब दूसरा टॉप जो पॉइंट है वो है तापमान, तापमान बढ़ने पर क्या होगा। अब इसके लिए भी आप क्या करें एक ग्लास में पानी लें, ये मान लीजिए सर्दी का मौसम है इसमें आपने पानी लिया, ठीक है, अब दूसरा ग्लास हमने गर्मी में लिया, ये किस तरह का मौसम है गर्मी का मौसम है, अब बराबर पानी की मात्रा उतनी ही रखी यहाँ पे, ठीक है, अब देख रहे हैं कि गर्मी क्या है गर्मी के द्वारा ये पानी जो है अधिक अवशोषित हो जाएगा वाष्प के रूप में अधिक ले लेगा, वातावरण भी क्या करेगा वाष्पीकृत कर लेगा पानी को, तो यहाँ पे पानी का जो स्तर है लेबल है वो कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन जो सर्दी में जो हमने पानी लिया वो उतने का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है एक ये भी समझ में आता है यहाँ से कि जो वाष्पीकरण की जो दर है वो जो वाष्प में या जो आर्द्रता बढ़ने पर क्या है ये घट जाएगी और गर्मी बढ़ने पर क्या है वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी। तो यहाँ पे क्या है अगला जो आपका आर्द्रता वाला जो पॉइंट है ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ये तो हमने बात की तापमान की, जब गर्मी का मौसम होगा और जब सर्दी का मौसम होगा, तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है आर्द्रता का। आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी होता है आर्द्रता, आर्द्रता में क्या होगा कि वाष्प जो वातावरण में वाष्प की मात्रा जब अधिक होगी तो जब ज़्यादा आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी घट जाएगी, मतलब कम वाष्पीकरण होगा, वाष्प बन के जो है वातावरण में पानी की जो मात्रा है वो कम जाएगी, तो यहाँ पे आर्द्रता भी क्या हो जाएगी वाष्पीकरण की दर जो है आर्द्रता बढ़ने पर घट जाएगी कम हो जाएगी। तो ये आपका जो है तीसरा कारक भी कंप्लीट होता है कि किस तरह से आर्द्रता के कारण क्या प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण पे। अगला है वायु की गति, वायु की गति का मतलब है कि जब हवा की जो गति है जब वो तेज होगी या धीमी होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वाष्पीकरण पे। अब यहाँ पे क्या इसके लिए हम क्या करते हैं कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, जब हम वाष्पीकरण का प्रभाव क्या हो जाएगा वायु की गति बढ़ने के साथ साथ वाष्पीकरण की जो दर होगी वो भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं कपड़ों को जब हम सुखाने जब हवा चलती है तो उसके कारण क्या होता है वाष्प की मात्रा अधिक
वातावरण में जाएगी तो इससे क्या होगा, कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, तो ये भी एक कारण होता है वाष्पीकरण के द्वारा ही। ये एक्टिविटी वायु की गति जो होती है, हवा की गति का भी प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण का। तो यहाँ पे क्या होगा, वायु की गति के साथ साथ मतलब हवा की जब गति होगी अधिक तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपके चारों कारक जो हैं ये वाष्पीकरण के कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं वाष्पीकरण से शीतलता के बारे में। शीतलता का क्या प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण से, वातावरण में किस तरह से शीतल हो जाता है वातावरण। तो यहाँ पे दिया हुआ है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इसी अवशोषण से क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, शीतल कर देते हैं। वाष्पीकरण आप समझ ही चुके हैं कौन सी प्रक्रिया है, अभी मैंने बताया सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के दौरान जितनी भी खोई ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं, द्रव के कण पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वातावरण को शीतल महसूस करा देते हैं। यहाँ पे क्या है, इसी कारण जो अवशोषण होता है, इसी अवशोषण से वातावरण जो है वो शीतल हो जाता है। इसके लिए हम क्या एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, एसीटोन एक लिक्विड होता है, केमिस्ट्री में ही एसीटोन एक पदार्थ होता है, इसको जब हम अपने हाथ पे डालते हैं तो क्या करता है, ये ऊष्मा को ले करके हाथ में, एसीटोन हाथ से ऊष्मा को ले लेता है और उसको काहे में चेंज करता है, वाष्प के रूप में बदल लेता है और इससे हमें क्या करता है, जो हमारा हाथ है वो हमें शीतल महसूस होता है। इसके इस उदाहरण से भी हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण से किस तरह से शीतलता महसूस होती है। तो यहाँ पे आपने ये भी पॉइंट क्लियर आपको हो गया होगा। तो हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं हमारे आसपास के, पहले मैंने बात करी आपको पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, ठोस द्रव गैस में क्या अंतर होता है मैंने इसके बारे में बताई। फिर आगे हमने इसमें आपको बताया कि किस तरह से दाब और तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है ठोस द्रव गैस तीनों स्टेज में। फिर आपको ये क्लियर हो गया होगा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। तो यहाँ से आपको ये कंप्लीट जो है ये चैप्टर पूरा हो जाता है। थैंक यू क्लास।